गोंदिया में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी रिंग रोड पर स्थित मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट के मैदान पर 15वें वर्ष में भव्य सामूहिक विवाह विधायक विनोद अग्रवाल के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर तहसीलदार शमशेर पठान, अपर तहसीलदार विशाल सोनवा ने, शिक्षाधिकारी कातर शेख, पूर्व नगर परिषद सभापति घनश्याम पांता ने, पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष गप्पू गुप्ता, सैयद ओवेश, सैयद असलम अली, बद्रुद्दीन कादरी, डॉक्टर भालुटिया, विमल मानकर, डॉक्टर सुबुल सिद्दीकी, डॉक्टर राजेंद्र वैद्य, नवाज खान, डॉक्टर अमीन, कलीम खान आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। सर्वप्रथम दुल्हो की बारात डॉक्टर बाबा साहेब भवन मरार टोली से निकली और विवाह स्थल पर पहुंची, जहां मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह संपन्न हुआ। विधायक अग्रवाल ने 2 करोड़ रुपए की निधि ट्रस्ट निर्माण कार्य के लिए दी थी, इस पर ट्रस्ट उनकी सराहना की गई। इसी तरह गप्पू गुप्ता ने भी निर्माणाधीन जगह देने से उनका सत्कार किया गया। पूर्व सभापति पांतो ने द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों की भी सराहना की गई। संचालन डॉक्टर साजिद खान व आभार सचिव मोहम्मद इरफान काजी ने किया। बढ़कर हमेशा समाज को केंद्र बिंदु में रख करके विगत 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं और उसी की परिणति है कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ये कारवा बढ़ते जा रहा है। आज यहां पर डॉक्टर साजिद के देकर जमीन खरीद के नीचे आगे का ये कारवा नहीं बढ़ता हो जाता है कि जो कोई काम की जीत पकड़ लेते हैं और हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट के लोग कोई भी काम की जो जीत पकड़ लेते हैं और उसको जब तक के पूरा नहीं होता तब तक के वो काम के पीछे लगातार भिड़े रहते हैं। पे हम जब चुनाव लड़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम पद या प्रतिष्ठा के लिए चुनाव नहीं लड़ते, चुन के आने के बाद में हम एक लोक सेवक होते हैं, जनता के सेवक होते हैं, जनता के नौकर होते हैं और हमारा कर्तव्य होता है कि समाज के सभी घटक को साथ में लेकर के सभी धर्म सभी जिन लोगों का आज यहाँ पे विवाह हो रहा है उन जोड़ों को भविष्य की शुभकामना देता हूँ और ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि उनका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे, वो अच्छे से जिए, जोड़ी के साथ में खुश रहे, यही मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और आप सभी लोगों से और पूरी टीम से यही मेरा कहना है कि चाहो उनको जो आपको दिल से चाहे, चाहो उनको जो आपको दिल से चाहे और सावधान उनसे रहो जो आपको दिमाग से चाहे। इस इज्तमाई शादी के माध्यम से मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट ने आज तक इन 15 वर्षों में किया, कोविड के दौर में भी जिस वक्त पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट अपना काम निरंतर पूरी ईमानदारी के साथ समाज के लिए कर रहा था। उस दौर में भी मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट ने यह काम जारी रखा और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट सिर्फ शादी नहीं करवाता और भी समाज उपयोगी बाकी चीजों में भी अपना सहयोग समाज को प्रदान करता है, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, आरोग्य के माध्यम से हो और भी जिन जिन आवश्यकताओं के लिए समाज अड़ता है उस समय पर मुस्लिम माइनॉरिटी ट्रस्ट उनके साथ खड़ा रहता है। किसी बड़े कार्यक्रम के माध्यम से होती है तो वह एक परिवार में उसके घर मायने में उनको की गई मदद तक यह इस शादी के माध्यम से वो लोग करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर अपने परिवार में अपनी बेटा बेटी की अगर शादी करे तो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति को करीब करीब 2 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है। इनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।